हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, क्या आप इंस्टाग्राम पर फिल्टर को सेव करना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि अगर हम अपने इंस्टाग्राम पर फिल्टर को सेव करना चाहें तो किस तरीके से सेव कर सकते हैं? जैसा कि फ्रेंड्स, यहां पर हम रील वीडियो को शूट करना रहता है तो यहां पर तरह तरह के फिल्टर देखने को मिल जाते हैं, बट जो हम फिल्टर ढूंढते हैं वो फिल्टर हमें देखने को नहीं मिलता है। तो ऐसे में अगर हमें फिल्टर सेव करना रहे, यहां पर सेव करना रहे, तो किस तरीके से हम सेव कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि रील्स वीडियो में अगर आप फिल्टर सेव करना चाहो तो किस तरीके से सेव कर सकते हो अपने इंस्टाग्राम में। आज की इस वीडियो में पूरी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो इसके लिए फ्रेंड्स, आपको कुछ इस तरीके से ओपन हो जाना है। देन उसके बाद फिल्टर का ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाता है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। और इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर ट्रेंडिंग फिल्टर देखने को मिल जाता है ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। देन उसके बाद फ्रेंड्स, जितनी भी ट्रेंडिंग फिल्टर रहेगा वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ से जिस भी इंस्टाग्राम के फिल्टर को आप सेव करना चाहते हो उस पर आपको इस तरीके से क्लिक करना है। इस तरीके से क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एक सेव करने का ऑप्शन आ जाता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो खाली बॉक्स देखने को मिला। इसी पर आपको क्लिक कर देंगे तो ये खाली बॉक्स आपका फिलअप हो जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ये फिल्टर मेरे में सेव हो गया। अब इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, अगर और भी फिल्टर आप सेव करना चाहते हो, जैसा कि मान लीजिए ये फूल वाला मैं सेट करना चाहता हूँ, यानी कि सेव करना चाहता हूँ, तो इस पर मैं इस तरीके से क्लिक करूंगा। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको सेव करने का ऑप्शन आता है, इसे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ये फिल्टर आपके इंस्टाग्राम में सेव हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ से आपको बैक हो जाना है। और बैक होने के बाद फ्रेंड्स, आप फिर से प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे और रील के ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर कैमरे के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको वो फिल्टर देखने को मिल जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसी फिल्टर को मैंने अभी सेव किया है और ये फिल्टर को सेव किया है लड़के वाला, तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखने को अब मिल जा रहा है। तो इस फिल्टर पर आपको क्लिक करके यहाँ से वीडियो को अगर शूट करना चाहो तो इस फिल्टर से आप वीडियो को शूट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप इंस्टाग्राम पर फिल्टर को अगर सेव करना चाहो अपने इंस्टाग्राम में तो इस तरीके से आप सेव कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये रही छोटी सी जानकारी। अगर आपको जानकारी थोड़ा सा भी हेल्पफुल और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।